हेलो गाइस, वेलकम टू माय होम टूर। आई नो मैं झूले पे बैठी हुई हूँ, ये काफ़ी एक्साइटिंग है, बट बिफोर आई शो यू माय एंटायर हाउस देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। ये एक 2 BHK गवर्नमेंट क्वार्टर है जिसमें मैं अभी लास्ट वीक शिफ्ट हुई हूँ। जब मैं देखने आई थी तो ये बिल्कुल खाली था, यहाँ पर कोई भी फर्नीचर नहीं था और मुझे लगा था कि मैं अचानक से इतना सारा फर्नीचर कैसे ऑर्डर करूँगी। लेकिन अभी COVID-19 की सिचुएशन में मैंने सारा फर्नीचर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया है और इसमें मेरे भाई ने और मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मदद की है और आज 1 वीक के बाद मैंने अपना घर पूरी तरह से ऑलमोस्ट सेटअप कर लिया है। तो चलते हैं मेरे होम टूर की तरफ। So as soon as you enter my house, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी स्पेस है जो मुझे बहुत अच्छी लगी शू रैक रखने के लिए। तो मैंने यहाँ के लिए एक स्मॉल शू रैक ऑर्डर की जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे अमेजोन से मिल गई, जिसे मैंने खुद असेंबल किया है। इसके बाद जैसे आप घर में एंटर करते हैं, प्लांट्स अगर घर में हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं नर्सरी जाके खुद 4-5 प्लांट्स लेके आई थी। मैं फर्स्ट टाइम प्लांट्स अपने घर में रख रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इनकी केयर कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर मुझे ये प्लांट अच्छा लगा तो मैंने इसे यहाँ रख दिया। और यहाँ पर मैंने एक ये फ्रेम लगाया है जिसमें मैं अभी अपने फोटोज लगाऊंगी। अब जैसे आप यहाँ एंटर करेंगी तो ये है मेरा हॉल। ये पूरी स्पेस यहाँ पर मैंने अभी खाली छोड़ रखी है, यहाँ पर मैं बीन बैग्स या फिर चेयर्स लगाऊंगी। और जैसे आप यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पर मैंने भगवान जी की तस्वीर लगाई है जो मेरे पास पहले से थी। तो यहाँ पर मैं रोज पूजा करती हूँ। और यहाँ पर एक प्लांट मैंने और रख रखा है जैसे ये स्पेस बहुत ही भरा भरा दिख रहा है। ये कर्टन मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है जो इस हॉल की थीम से मैच कर रहा है। ये हॉल की थीम मैंने वाइट और ब्लू सेट की है। अब चलते हैं हम हॉल के नेक्स्ट पार्ट में। हॉल में जनरली सब लोग सोफा लगाते हैं, लेकिन अगर आपको सोफे का कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए जो रीजनेबल प्राइस में आप जिससे आपके हॉल का इंटीरियर कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये तरीका बहुत सही रहेगा। आप एक मैट्रेस लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक मैट्रेस लगाया है जिसको मैंने पूरे हॉल को ब्लू और वाइट थीम में डेकोरेट किया है। इसलिए मैंने एक प्लेन ब्लू कलर का बेडशीट ऑर्डर किया है, ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। और मैंने यहाँ पर कुछ कुशन्स लगाए हैं जिसके कवर्स अभी आए नहीं हैं, वो कल आएंगे, इसीलिए मैंने अभी इन्हें प्लेन छोड़ा है। लेकिन मैंने प्लेन बेडशीट ऑर्डर की, इसीलिए मैंने डिज़ाइन वाले कुशन कवर्स सेम ब्लू और वाइट शेड में ऑर्डर किए हैं। और ये बेडशीट की साइड में नीचे मैंने एक रग लगाया है जो बिल्कुल उस ब्लू और वाइट थीम से मैच कर रहा है, ये भी मैंने अमेजोन से ही ऑर्डर किया है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई है। तो अब चलते हैं इस हॉल के कॉर्नर की साइड। यहाँ पर मैंने ब्लू और वाइट थीम के कर्टन्स लगाए हैं। जनरली कर्टन्स सेम कलर के लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं एक ब्लू और एक वाइट लगाऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने इसे ऐसे लगाया है। अब यहाँ पर एक प्लांट लगाया है मैंने कॉर्नर में जो अरीका पाम है, ये एयर को प्योरीफाई करता है, इसीलिए मैंने इसे हॉल में लगाया है। और यहाँ पर कॉर्नर में मैंने एक अपसाइडेड लैम्प लगाया है जो आइकिया का है और ये इस पूरे हॉल में मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और ये मेरे भाई ने ऑर्डर किया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें मैंने एक ऐसा बल्ब भी लगाया है जो अलग अलग कलर्स में होता है। अब इस मैट्रेस के जस्ट ऊपर ये वॉल पूरी खाली थी और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगानी थी जो मैं अगर किसी और घर में शिफ्ट हूँ तो मैं वहाँ पर निकाल के ना ले जा सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ अवेलेबल थे तो मैंने फेरी लाइट्स ऑर्डर की और ये फ़ोटोज़ को मैंने यहाँ पर लगा दिया, जिससे ये बहुत अच्छा लुक भी दे रहा है और ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है और ये मुझे ईजीली मिल भी गया। अब यहाँ पर भी मैंने एक प्लांट लगाया है क्योंकि प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका घर एकदम से अच्छा दिखने लगता है। प्लांट्स आपके घर के लुक को एकदम से बदल देते हैं। तो यहाँ इस वॉल के साइड में भी खाली स्पेस लग रहा था मुझे, तो यहाँ पर मैंने ड्रीम कैचर लगा दिया जो मेरे पास पहले से रखा हुआ था। तो ये स्पेस एकदम कंप्लीट लुक दे रहा है। और ये जो हॉल और डाइनिंग रूम का पार्टीशन है, यहाँ पर मैंने ये वाइट कलर के स्ट्रिप्स वाले कर्टन्स लगाए हैं, ये बहुत न्यू है
और ये मैंने फर्स्ट टाइम अमेजोन पे देखी थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, इस हॉल की थीम से बिल्कुल मैच कर रहे थे और ये सभी को बहुत पसंद आए हैं। अब हम एंटर करते हैं मेरे डाइनिंग एरिया की तरफ। ये पार्टीशन में मैंने दोनों कर्टन्स लगाए हैं और ये एक डाइनिंग टेबल जो बहुत ही छोटी डाइनिंग टेबल है, 4 सीटर, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है। इसकी चेयर्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और ये मुझे एकदम रेस्टोरेंट वाला फील देती है यहाँ पे। और ये जो मेरी बालकनी है उसके लिए भी मैंने बिल्कुल सेम हॉल की थीम से मैच करते हुए व्हाइट और ब्लू कर्टन्स लगाए हैं। तो ये पूरा जो हॉल और डाइनिंग एरिया है इसको मैंने व्हाइट और ब्लू थीम पे रखा है। और ये स्पेस यहाँ पहले से थी, ये फ्रेम्स मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट की थी तो ये मैंने यहाँ पर लगाई है, जिससे ये वॉल भी यहाँ पर कम्प्लीट लग रही है। ऐसे तो ये गवर्नमेंट क्वार्टर है लेकिन यहाँ पर उन्होंने वॉश बेसिन और स्पेस ये बहुत अच्छा बनाया है। ये वॉश बेसिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मिरर जो यहाँ पर सामने लगाया है ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत अच्छा। तो अब चलते हैं हम इस किचन की तरफ। ये किचन छोटा है लेकिन मॉड्यूलर है और फुली फर्निश्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ये सारी चीजें फर्निश्ड नहीं होती है लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये शेल्फ दिया है, ये सारे मॉड्यूलर किचन दिया है तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये एक रेफ्रिजरेटर मैंने खुद परचेस किया है, यहाँ पर ये मैं खुद लाई हूँ और आरओ भी यहाँ पर नहीं था, ये मैंने खुद लगाया है। बट फिर भी ओवरऑल ये किचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस किचन से डायरेक्ट एक डोर जाता है जो बालकनी में होता है, जो यहाँ की एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जैसे ही आप किचन ओपन करते हैं यहाँ पर आ जाते हैं मेरी बालकनी, जहाँ पर मैंने ये झूला लगाया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरे घर में, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे घर में एक झूला हो, तो यहाँ पर जो स्पेस है बालकनी उसके लिए बहुत ही सही है। तो अब हम चलते हैं इस फ्लैट के बेडरूम की तरफ। ये यहाँ का एक सेकेंड बेडरूम है जो थोड़ा स्मॉल है और ये मैंने स्टोर रूम बना दिया है और ये है मेरा बेडरूम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बेड ऑर्डर किया जो किंग साइज बेड है लेकिन ये लोहे का, इसीलिए मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गया। और ये जो वार्डरोब है ये यहाँ पहले से थे, ये वार्डरोब बहुत ही स्पेशियस है और इसमें मेरा ऑलमोस्ट सारा सामान आ गया। और सेम ऐसे ही दो वार्डरोब उधर वाले रूम में भी है, तो ये फ्लैट में ये सबसे बेस्ट चीज उन्होंने पहले से दी है। यहाँ पर बेड के कॉर्नर में मैंने दो प्लांट्स लगाए हैं जिससे इसका लुक एकदम कंप्लीट आ रहा है। बेड के जस्ट ऊपर जो वॉल है अभी वो मैंने खाली छोड़ रखी है लेकिन मैं उसमें भी कुछ लगाने का सोच रही हूँ। अगर आपके पास कोई आइडियाज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने लिए टीवी भी ऑर्डर किया है, ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला है क्योंकि ये वीयू का है लेकिन ये एक स्मार्ट टीवी है। और फिर ये मैंने एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ऑर्डर की जो मैंने यहाँ पर रखी है, जिससे बहुत ही इजीली मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल नहीं थी तो मैंने सोचा कि ड्रेसिंग टेबल को परचेस करने से बेटर ही मैं यहाँ पर एक ग्लास लगवा दूँ जो ड्रेसिंग टेबल का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास लगवा दिया, बहुत ही बड़ा फुल साइज मिरर है जिसमें बहुत अच्छे से हम अपने आप को देख सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लगवाया है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। आपको सारे प्रोडक्ट की डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आप अपने व्यूज प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और मुझे और आइडिया सजेस्ट कीजिए कि मैं कैसे इस रूम को और अच्छा डेकोरेट कर सकती हूँ। And please, please, please don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.